सो हेलो एवरीवन, मैं नवनीत पांडे स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद फ्लिंट में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि टेंस का हमारा सीरीज चल रहा है। उस टेंस के सीरीज में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग मेरे टेंस के जितने भी वीडियो आज तक मैंने शेयर किए हैं, आप लोगों ने बहुत सराहा, आप लोगों ने लाइक किया, शेयर किया। मैं इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से आभारी हूँ। तो ऐसे ही अपना प्यार मुझ पर बरसाते रहिए, धन्यवाद। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, कहते हैं कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, यी है, ये हैं, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। लेकिन इसको और अच्छे से समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, चलिए उसकी बात करते हैं, ठीक है। सो अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है वर्क हैज़ फिनिश्ड। सो परफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो काम कंप्लीट हो गया है, जो काम एकदम 100% कम्प्लीटली डन है, बस वही परफेक्ट टेंस कहलाता है, ठीक है। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम लोग बात कर रहे थे। सो हियर द थिंग इज वर्क इज डन, जो आपका काम है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन आप ये भी कहेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में भी वही चीज़ होता है कि नहीं। सो पास्ट इंडेफिनिट में वही चीज़ होता है, पास्ट परफेक्ट में भी वही चीज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी वही चीज़ होता है, तो अंतर क्या है सर? तो आज मैं अंतर के साथ आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें क्या होता है ना कि देखिए, कोई भी एक काम जो है वो काम ख़त्म तो हुआ, लेकिन उस काम का जो इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट अभी भी आप पर है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, मैं कहूँ मैं खाना खा लिया हूँ, या दूसरे वर्ड में कहूँ मैं खाना खा चुका हूँ। तो मैं खाना खा चुका हूँ तो वो जो खाना है उसका प्रभाव अभी भी मेरे पेट में है, मतलब कि मुझे भूख नहीं लगी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से जो भी काम पास्ट में हमने किया, लेकिन उसका प्रभाव अगर अभी तक हमारे ऊपर है, तो वो हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब इसके लिए चलिए हम लोग देख लेते हैं सिंपल फॉर्मूले से। तो सिंपल फॉर्मूले में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसमें सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव का यूज़ होता है, ठीक है। सो हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ यहाँ पे किया जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं हैज़, और प्लरल के साथ लगाते हैं हैव। इतना तो आप लोग क्लियर ही होंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैं खाना खा चुका हूँ। अभी मैंने इसका एग्जाम्पल दिया कि मैंने ये काम किया, लेकिन इसका प्रभाव अभी भी मुझ पर है, अभी मेरा पेट भरा है, ठीक है। तो सेंटेंस देखिएगा, मैं के लिए आई यूज़ किया गया। अब आई क्योंकि प्लरल नंबर है, इसलिए यहाँ पर हमने हैव यूज़ किया। सो आई हैव। अब यहाँ पर खाने के लिए आप टेकन भी कह सकते हैं, ईटन भी कह सकते हैं। सो आई हैव टेकन फूड और आई हैव ईटन फूड, ये आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, वह मेरे घर नहीं आया है। सो वह मेरे घर नहीं आया है क्या हो जाएगा? वह के लिए हमने यूज़ किया ही, उसके बाद ही क्योंकि सिंगुलर है तो हमने यूज़ किया हैज़। ही हैज़, उसके बाद नॉट लगाना था, यहाँ पर नॉट लगा दिया, ही हैज़ नॉट। और कम का जो थर्ड फॉर्म होता है, कम, केम, कम, वो कम ही होता है, ठीक है। सो ही हैज़ नॉट कम कहानिया टू माई हाउस। सो ही हैज़ नॉट कम टू माई हाउस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? जो हैज़ हैव है वो सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ कर देना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्या आपने ताजमहल देखा है? सो क्या आपने ताजमहल देखा है? यहाँ पे क्योंकि यू जो है हमारा सब्जेक्ट है, और यू प्लरल है, इसलिए यहाँ पे हैव का यूज़ हुआ। तो हैव यू सीन द ताजमहल, देखिए द ताजमहल कहा जाता है, ठीक है। सो हैव यू सीन द ताजमहल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? हैज़ हैव सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करना, उसके बाद नॉट यूज़ कर देना, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ कर देना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा है, देख लीजिएगा, क्या आपने उसे धोखा नहीं दिया है?
तो सेंटेंस देखिए, क्या आपने उसे धोखा नहीं दिया है। सो धोखा देने के लिए चीट भी कहते हैं, डिसीव भी कहते हैं, आप जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, दोनों ही वर्ब हैं। सो यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा डिड यू नॉट चीट हिम, ठीक है। तो यहाँ पे डिड यू नॉट चीट हिम मैंने इसलिए लिखा ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकें कि सर यहाँ पे तो हैव है, यहाँ पे डिड कैसे आया, ठीक है। तो चलिए इसको हम सही से पहले बना लेते हैं। ये हो गया क्या, हैव यू नॉट चीटेड हिम। अब देखिए दोनों सेंटेंसेस को हमने सामने रख दिया, ठीक है। डिड यू नॉट चीट हिम, हैव यू नॉट चीटेड हिम, इन दोनों में अंतर कहाँ से समझ में आएगा ये देखना है। देखिए अगर मैं कह रहा हूँ डिड यू नॉट चीट हिम, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि आपने उसे धोखा नहीं दिया, मतलब जो धोखा दिया या नहीं दिया उसका इफेक्ट अब नहीं है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ हैव यू नॉट चीटेड हिम, मतलब उस धोखे न देने का या देने का प्रभाव अभी तक बना हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आपने किसी को धोखा दिया, अब धोखे के कारण उसकी लाइफ बर्बाद हो गई, तो उस धोखे का प्रभाव अब तक है कि नहीं, तो उस सेंस में आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे। लेकिन बहुत पहले आपने धोखा दिया, आपको याद ही नहीं है, ठीक है। सो धोखा दिया उसका प्रभाव अब नहीं है, तो आप उसको पास्ट इंडेफिनिट बना लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं डब्ल्यू एच वर्ड। सो डब्ल्यू एच वर्ड में क्या हो जाएगा, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा आप वहाँ क्यों गए हैं, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन गया, क्यों के लिए वाई हो गया, वाई के साथ हैव क्यों आया, क्योंकि हैज हैव में से आपके लिए यू के लिए हैव यूज़ किया जाता है, तो वाई हैव यू गॉन देयर, ठीक है। फिर देखिए डब्ल्यू एच नेगेटिव सेंटेंस, अब डब्ल्यू एच नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद हैज हैव लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देना है, फिर नोट लगा देना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे तुमने उसे क्यों नहीं मारा है, ठीक है। सो यहाँ पे फिर से देखिए वही चीज़ मैंने लिख दिया है, वाई डिड यू नॉट बीट हिम, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होना चाहिए था, सेंटेंस होना चाहिए था वाई हैव यू नॉट, अब बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटन होता है, सो वाई हैव यू नॉट बीटन हिम। तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, डिड का फॉर्म मतलब कि आपने जो पीटा या नहीं पीटा उसका प्रभाव अब नहीं है, ठीक है। लेकिन वाई हैव यू नॉट बीटन हिम, कि आपने उसको क्यों नहीं पीटा है, आपने नहीं पीटा, हो सकता है फिर से वो बवाल कर रहा हो, उसका प्रभाव अभी भी दिख रहा है, अगर आप पीट दिए होते तो बवाल ना होता आज, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नोट की बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नोट को जानिएगा, स्पेशली कॉम्पिटिटिव लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं इसको बहुत अच्छे से सीखिएगा। देखिए अगर कोई सेंटेंस है जो प्रेजेंट परफेक्ट का है, और अगर उस सेंटेंस कोई भी वर्ड्स, ये देखिए जैसे सो फार, अप टिल नाउ, एवर, येट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इनके सेंटेंसेस अगर पास्ट में दिए गए हैं, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में ही जाते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही जाते हैं, इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा। साथ ही साथ बहुत लोग प्रेजेंट परफेक्ट में ही एक चीज़ और पढ़ाते हैं, पहले और बाद के सेंटेंसेस, तो उसके लिए मैं पर्सनली वीडियो बनाऊंगा, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। सो उसके लिए डोंट वरी एट ऑल। अब बताइए इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है, अगर डाउट नहीं है तो आज के लिए दैट्स ऑल पीपल, थैंक यू सो मच, बाय बाय टू यू ऑल, थैंक्स अ लॉट।